मैं शूट पे गया हूँ झूठा ये झूठा है झूठा यार, मैं शूट पे गया हूँ झूठा ये झूठा है झूठा यार, कैसे झूठा यार अनबिलीवेबल। देखो पांच सच्चाई मिनट है, सच्चाई है भाई, हमें पता चला है जेटलैग था। 5 मिनट नहीं रहे, रुके आप। सच्चाई नहीं, मैं रुका हूं। सच्चाई ये है कि मैं जेटलैग था, जब मुझे नींद आई तो मैं होटल नहीं गया हूं, मैं सेट पे, पीछे एक वैन थी जो खाली थी, बस थी, मैं वहां पे सोया हूं। जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर बेचारी उसने अपना हम, शूट छोड़ के डर के मारे सब ढूंढ रहे हैं आपको, कहाँ गया है। हाँ वो मैं जिसको बताया था उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो पीछे सो रहा है लेकिन मैं सोया सेट पे, मैं भागा नहीं, मैं होटल नहीं गया था, ये बात सच है, ये आप कंफर्म कर सकते हो वापस। और बोला फिर बंदा फिर पराग भी गया और हाँ सेम चीज हुआ कि आए मैं आपके लिए आया, आपकी शूट देखूंगा, ऑल सपोर्ट, बंदा फिर आउट, फिर सो गया प्राग में क्या सोया था मैं? एक सेकंड, प्राग में कब सोया मैं? वाह अब वापस, यार जेट लैग होगा तो वापस जाएगा ना आदमी। अब शूट के टाइमिंग देखो, मैं सीध, मेरी एक चीज, एक कमजोरी है लाइफ में, वो है नींद। ठीक है, मेरी नींद कमजोरी अरे है, और जेट लैग हो तो सेम भाई साहब मैं सेम मेरे ईयर से नहीं उठा जाता, सेम मैं नो ईयर प्रॉब्लम। यार मैं अगर उस टाइम का शूट है कि यार, अब शेड्यूल्स इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए वैसे ही होते हैं कि आप सब। कभी दिन में शूट कर रहे हो, कभी रात में शूट कर रहे हो। अब मेरी किस्मत ऐसी कि दोनों बार जेट लैग में मैं वो रात को जो 6 बजे वाला होता है वो शिफ्ट में गया हूँ, अब मैं क्या करूँ उसमें? चलो ये तो मैंने मान लिया और आपको माफ भी कर दिया कि रात थी। हाँ भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज दी विराट, आपने अपने हाँ धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए, ये क्यों? यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने? ये तुमने कब बताया ये सब है? अच्छा मुझे मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो, शाबाश। हाँ कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव में क्या हो रही हो रहा, बहुत बढ़िया तो यार प्रिय बीवी जी ने सारा सारा प्लानिंग कर लिया, आपको भूटान ले गए, एवरीथिंग इज वेल डन, यू बोथ आर जॉगिंग एंजॉयिंग साइकिलिंग और व्हाटएवर, पीछे से किसी ने साइकिलिंग आवाज दिया सॉरी। विराट, आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कौन आ गया, आपने अपनी बीवी छोड़ के भाग गए। अरे नहीं भाई, वो यार ऐसी बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? यार तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार, एक बात एटलीस्ट सॉरी तो बता बोल दो यार, आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। रहा। शी थॉट कि मैं घूम गया हूँ, शी थॉट आई एम लॉस्ट। हुआ क्या वहां पे ना, अब हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे तो वहां पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे, और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे, तो मैं बाइक पे था तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मैं, मेरी बाइक तेज चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था, चल अपने आप तो चलेगी नहीं, मैं चला रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहां पे ना भीड़ थी, तो वहां भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी, मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की मतलब रेस खत्म करनी है, और मैं इतनी आगे पहुंच गया, इतनी आगे पहुंच गया, और मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये तो आई नहीं रहे, आई नहीं रहे, आई नहीं रहे। तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें, जो कहीं पे भी रुको तो उन्होंने बोला जहां आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे, तो वो गाड़ी रुकी, वो आ गई गाड़ी पीछे, मैंने कहा मैडम कहाँ है? बोलते वो तो पीछे, तो फिर मैंने यू टर्न मारा, मैं तो क्या कहा मैं तो बहुत आगे आ गया, फिर वो पीछे से आ रही थी वहां पे। अच्छा उसके बाद क्या नहीं बताया? क्या क्या वो बताओ बताओ, कुछ नहीं, मैंने साइकिल चलाई अगल बगल में, उन्हें रोकी नहीं अनुष्का ने, मैं बोल रहा हूँ नहीं गुस्से यार में मैं, बम हाँ मेरे को पता नहीं चला यार मैं आगे चला गया, वो किसी ने आवाज लगाई थी, वो ऐसे कर रही है जैसे कोई कर नहीं, जैसे जानती, वो रोड पे नहीं आ जाते वो फालतू में बातें करने, वो देख ही नहीं मेरे को शुक्र है सिक्योरिटी को नहीं बोला काम कर रहा है मुझे दूर करो उसको अच्छी रिसर्च करी है आपने, अब अभी तभी बोल रहे थे और नहीं बताऊंगा क्या पूछना है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। You know, champ, there's something that I want to tell you was, I've read so much about this in news, and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share,
हाउ? बिकॉज 2014 का आईपीएल व्हेन यू थॉट कि मैं बॉडी चेंज करूंगा, वो भी उसी टाइम पे था, अनुष्का कमिंग टू योर लाइफ भी 13-14 के टाइम पे था, सो ऑल दिस गुड ट्रांजिशन हैपेंड देन. व्हाट वुड यू से अबाउट विराट कोहली बिफोर अनुष्का एंड विराट कोहली आफ्टर अनुष्का? I would the reason why I say that when she came into my life, everything that was negative in me changed for good, is because pehli baat to I've always mentioned is that before I met her, I was very self-centered, very focused on ki mujhe kya karna hai, mujhe kya acha lagta hai, mujhe apna comfort zone bana ke rakhna hai. Comfort zone was a big thing, you know. जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये. व्हेन यू मीट अ पर्सन दैट यू लव, यू वांट टू डू थिंग्स फॉर द अदर पर्सन, यू हैव टू ओपन अप, यू नो. सो एंड द कांस्टेंट कॉन्वर्सेशंस वी ऑलवेज हैड वाज, इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, इट इज अबाउट कंपेनियनशिप. एंड दैट्स समथिंग दैट शी टॉट मी व्हेन शी केम इनटू माय लाइफ. मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड था उससे पहले. I could not think beyond myself. That's why I keep saying that my life completely changed because I started looking at her. Here, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this. That so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, and because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. आप कुछ भी बात करोगे तो वो अलग ही मतलब निकालते हैं. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो होता ही है लाइफ में. यू नो, यू मीट अ पार्टनर, यू गेट मैरिड, यही प्रोसेस है लाइफ का. वी नेवर रियली सिट डाउन एंड से दैट यू नो आई थैंक गॉड विद बोथ माय हैंड्स कि वी फाउंड ईच अदर, अदरवाइज लाइफ कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट एंड नॉट इट कुड हैव गॉन रॉन्ग. या इट कुड हैव एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इज स्पॉट ऑन. इट कुड हैव गॉन टोटली रॉन्ग एंड वी मेन नीड टू स्टैंड अप एंड से दैट इट इज बिकॉज ऑफ our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. No, but it's also, you said, you also have to be a little bit lucky to get the right partner. And what I see between you and Anushka is something that I also see with me and my wife, because I've been together for 15 years and I understand what you're saying. When it clicks, when you know somebody who has all your interests and also helps you grow, it's amazing. Yeah, I agree. I totally agree with you. You know, talking about my wife, I'm not taking any questions right now, but her question I have to take. So she has a question for you, which is not amongst 10. Okay. So she says, tomorrow a biopic is made on Virat Kohli. And let's say Anushka the actor agrees to do the role of Anushka the wife. Would you act as Virat Kohli in your own movie? Because she thinks you will do a great job. With Anushka, I'll definitely do the biopic myself. Great. And she would be very happy. And I don't know many people who know about you, but you are immensely funny and you can act. And I don't know a lot of people that know about you. ये भी मैं गलत फहमी दूर कर देता हूँ. गलत फहमी है कि I can act. एक होता है, I can play football also. आप मुझे ISL खिला दो. हाँ या ना, बोलो, अभी बोलो मेरे को. नहीं, नहीं, समझ गए आप, डिफरेंस समझ गए? नहीं, लेकिन मैं क्यों बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्ट, बिकॉज यू हैव टू एक्ट एज विराट कोहली ओनली इन दैट मूवी. आई एम सेइंग, तभी मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बेटर मैं ही प्ले कर सकता हूँ. वही एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. कोई और बेटर कर दे तो फिर तो बहुत ही यू नो बिल्कुल ही निठल्ला आदमी हूँ मैं. तो मैं ये डिफरेंस समझा रहा हूँ कि लोगों को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आई कैन एक्ट इज, जब आप इतने कमर्शियल्स कर चुके होते हो उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है. जो कोई भी यू नो अ मैन विद हाफ हाफ ब्रेन्स आल्सो कैन लर्न टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, स्पेशली फ्रॉम डूइंग इट रिपीटेडली. या ना, या नो नो, आई एग्जैक्टली मेंट दैट ओनली. इज एन आर्ट. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, प्रैक्टिस इज एन आर्ट. आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. वो मेरे को, मैंने कुछ देख देख के
वो स्कीम निकाल ली कि ए से बी तक ऐसे जाना होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो क्राफ्ट आती है। अब आप मुझे बोलो, अगर आप बोलते हो मैं हाँ मैं तेरे को आईएसएल का मैच खिला दूंगा सेमीफाइनल वो भी सीधा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई मेरे को आती है, खिला दूंगा इफ यू रेडी टू प्ले अगेंस्ट एफसी गोवा, क्या बोलते हो? मेरे को लग रहा है टाइम हो गया अभी चैट का समय का। ओके मेरा नाउ नाउ वी ऑलमोस्ट डन, वी ऑन द 8th क्वेश्चन नाउ, दिस इज अ गुड वन। सो वी ऑल नो योर लव ऑफ डांसिंग एंड डूइंग भांगड़ा, ओके आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट नाउ, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनली, सॉन्ग एंड डांस इज अ रूटीन दैट योर वाइफ डज प्रोफेशनली इन हर वर्क। तो जब चक्कर चलना शुरू हुआ आपके दिमाग में आया कि यार अब मैं खुल के नहीं नाच सकता, या फिर डांस बेटर कर लूं, या मुझे जज करेगी, क्या मन में आया कि छोड़ना यार प्यार करता हूं नाचूंगा जैसे मेरी मर्जी में नाचता हूं? नहीं ये ऐसा कभी मन में आया ही नहीं, वैसे भाव मन में आते तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, वो कभी हमारे बीच में नहीं था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना, हम पहले दिन से ही खुले थे जैसा मैं था, एंड दैट इज समथिंग दैट शी आल्सो लाइक्ड अबाउट मी कि मैं खुल के बात करता था, वो जो मैंने बोला ना वो एक लेयर ऑफ जो एक पॉशपना या बी परफेक्ट, या मैं पॉश नहीं था कि यू नो व्हाट आई रियली थिंक वी शुड डू इट लाइक दिस, और हमारी शुरुआत ही वो कमर्शियल हुई थी हम डांस कर रहे थे साथ में सालसा, जिंदगी में मैंने कभी सालसा नहीं किया तो मेरी जितनी जितनी हालत खराब थी वो आप नहीं समझ सकते, लेकिन हमें कभी मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इन फ्रंट ऑफ अनुष्का आई कांट डू दिस और आई कांट डू दैट, एंड नीदर डिड शी फील लाइक दैट एवर। That's wonderful, and I think I can vouch for that knowing you. That's wonderful. So generally, जब भी अब ये 9th question है, I know I'm taking much of time, but जब भी कोई rumors आते हैं, मैं generally पता देता नहीं newspaper को. जितने भी लिखी जाती है, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ. But there is one rumor that I want to believe. The story goes that you two used fake names and emails in the build-up to organizing your marriage. प्लीज बी ऑनेस्ट हियर, ये मेरा आइडिया नहीं था भाई। इतनी सोच मेरी नहीं जा सकती, यू नो क्या ये सच था या नहीं था? क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, अगर मेरे कंट्रोल में होता यू नो टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, पक्का भांडा फूट जाता 3 दिन के अंदर कि क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है, सब खाना पूल डेकोरेशन सब पता चल जाता। तो फिर आप चुप कैसे खा गया, आपको बताया नहीं गया? नहीं मैं टेस्ट मैच खेल रहा था, शुक्र है, नहीं तो हो जाता काम। बट या वी ऑन अ सीरियस नोट कीप इट दैट वे, एवरीवन वाज ब्रीफ दैट यू नो वी हैव टू कीप इट डिस्क्रीट एंड अमेजिंग, लाइक वी ऑल स्टिल बिलीव दैट द वे इट वाज डन एंड यू नो द वे इट वाज बीइंग एबल टू पुल इट ऑफ वाज आउटस्टैंडिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल द हार्ड वर्क ऑल द प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग अनुष्का डिड इट फुली, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो जो आया था वहां पे सबको पता है, एंड एवरी लव्ड each and every minute of us you know being together, so it was an amazing time. Those not only the people who were there but everyone who has seen the pictures and the videos, I think that's the best thing of that. Outstanding bhai, outstanding. And you know I was talking to Anushka and she also said one thing, knowing the marriage, knowing the whole romantic setup and beautiful, everything beautiful. When I came to know ki janab ne madam ko propose bhi nahi kiya, I was shocked. But she said it happily. She said that it was so natural and organic, we never had to propose anyone. But kisi aur ko vishwas nahi hoga ki Virat Kohli sahab janab ne apni madam ko itni beautiful shaadi ki aur propose bhi nahi kiya. Ye kaise dost? Yaar dekho, mera manna aisa hai ki jab aap life खुल के जी रहे हो ना और प्यार करके जी रहे हो, तो कोई स्पेशल ना तो वैलेंटाइन डे होता है ना कुछ होता है, हर दिन ही वैसा होता है, एवरी डे कैन बी द सेम एज अ वैलेंटाइन डे, कैन बी स्पेशल, एंड एज शी सेड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट वी नेवर फेल्ट लाइक यू नो वी नीडेड टू डू दैट, वी न्यू दैट वी आर गोना मैरी ईच अदर, देयर वाज नो डाउट एवर, so once we knew ki everything is going forward, we were just so happy and so you know excited to start our life together and start living together, that's organically how things went on bhai. Aap to aise mujhe pata hai, but when I was talking to Anushka and I thought she might say ki yaar isne propose me de kiya, but she so happily said that it went so organically and that's the exact way I wanted it, which is unbelievable, kyunki pata mujhe apni story yaad aa gayi,
मैंने इनके अब्बा हुजूर से पहले इनका हाथ मांगा, उसके बाद फॉर्मेलिटी वाइज मैंने इनको जाके प्रपोज किया. अच्छा ओ, एक दिन परेशान होगी, कहती कि तुमने मेरे डैड से पूछ लिया, मेरे को तो पूछा ही नहीं. तो फिर मैंने फॉर्मेलिटी वाइज इनको ले गया और इनको प्रपोज किया, पर मैंने इनके डैड को पूछा पहले. या वियर्ड थिंग्स अबाउट अस बट ब्यूटीफुल भाई. वो आई थिंक आई कैन से वो बोल नहीं सकते. मैं भी करूंगा एक दिन लाइव, मैं भी पूछूंगा. माफ कर, रुक जाओ आप. कह रहे माफ कर दे. अच्छा चलिए, ये अब आखिरी सवाल. हाँ, आपको अगर एक दिन दिया जाए, एंड आई नो हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन, अगर एक दिन दिया जाए कि दोस्त आज जा, जो मर्जी खाना है खा, तेरे को उसके बाद जिम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे को मेंटली और फिजिकली कोई टेंशन नहीं आएगा, तू जो मर्जी खाना खा, वन डे पास, क्या खाओगे, कहां से खाओगे, डिटेल वाइज? मैं पहले खाऊंगा, सुबह उठूंगा, अभी जब खाने की बारी हो तो जल्दी उठ जाऊंगा, बहुत जल्दी. बंदा हाँ, कितना वंचित है खाने से. हाँ, जल्दी उठ जाऊंगा. कीड़ा अंदर है, दबा के रखा हुआ है, जागने नहीं देते. एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड. और बहुत भयंकर कीड़ा हो, जब उठ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा. ठीक है, तो मैं जल्दी उठूंगा सुबह. पहले उठ गए, मैं मैरी बिस्किट आते थे ना, मैरी बिस्किट चाय के साथ. हाँ, चाय के साथ नहीं, चाय मैं पीता नहीं था बचपन में, मैं आपको पुरानी बता रहा हूँ. दूध की मलाई निकालो, बोलो, ठीक है, 10 बिस्किट नीचे, उस पे मलाई लगाओ, 10 उसके ऊपर, उसके सैंडविच बनाओ पहले, ठीक है, फ्रिज बन गए. हाँ, फ्रिज में रख दो, प्रिपरेशन रहता है, तभी से उठना है. हाँ, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिए, वो नाश्ते की पहले उठ के स्वीट डिश बनानी है, उसके बाद दोबारा आराम करना है, उसके बाद जाऊंगा मैं ठेले से छोले भटूरे खाऊंगा, चार भटूरे खाऊंगा, मतलब 2 प्लेट हो गए, जो उंगली मार के फुस करने पड़े, वैसे वैसे टाइप के. बगल में वो अचार, वो फ्लैट नहीं आने चाहिए, गाजर का मारनी पड़ेगी. धुआं निकलेगा. गाजर का अचार, लाल मिर्च का अचार, और प्याज, और वो चटनी, हरी चटनी, 12 रुपए मिलते थे हमारे टाइम पे. 2 प्लेट खाऊंगा, ठीक है, उसके बाद लस्सी पीऊंगा. कहाँ की लस्सी? वो सदर बाजार वाली, अग्रवाल की. ओ हो 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 हो, अग्रवाल की लस्सी. वो इतनी बड़ी मलाई की, उसके ऊपर वो होती है. सदर बाजार अग्रवाल की लस्सी पीऊंगा, उसके बाद जाऊंगा वापस. नेहरा जी को हाई बोलते ना, लेकिन नेहरा जी को हाई बोलते जाना. हाँ, वो तो बगल में है, उनको मिलते जाऊंगा. उसके बाद 10 बिस्किट खाऊंगा मैरी गोल्ड. अच्छा, जो घर पे रखे हैं बिस्किट के सैंडविच, वो मैं खुद बनाता था बचपन में. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा पेट को. उसके बाद लंच में बनाए जाएंगे राजमा चावल. लंच में बनाए जाएंगे व्हाइट राइस, प्रॉपर राजमा चावल, प्रॉपर व्हाइट राइस, घी वाले, जीरा डाल के, प्रॉपर मसाले वाले राजमा, 2 प्लेट भर के वो खाऊंगा. ठीक है, 2 प्लेट. उसके बाद शाम को पनीर की पैटियां बनेंगी. अरे बंदा ये भी कर रहा बहुत. अरे नहीं, होंठ सूख गए थे यार, चटके नहीं ले रहा मैं. सुनो तो, उसके बाद वो 2 ब्रेड के उसके पीस के बनेंगी, जो वो ट्रायंगल वाली होती है ना, वो काट के. पैटी या पफ फुलाकर? नहीं नहीं, पैटी पैटी, वो ब्रेड के अंदर डाल के जो चार बनती है टोस्टर में, उसको काट के वो हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ, मैगी वाली, नॉर्मल नहीं, हॉट एंड स्वीट वो सॉस के साथ शाम को पैटी चलेगी. उसके बाद रात को दाल मखनी, नान, दाल मखनी, गार्लिक नान, और क्या, और बढ़िया सब्जी कौन सी लगती थी अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, पहले उस टाइम पे जो लगती थी हम बोल नहीं सकते अभी. हाँ, उस टाइम पे जाने वाले दिन गए. हाँ, उसकी क्रेविंग भी नहीं होती है.